हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट वर्ल्ड फ्रेंड्स। शहनाज का जलवा जी हाँ छा गया है दुनिया में, देश में और जगत में। जी हाँ, क्या कुछ है बताएंगे आपको इसी वीडियो में, बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे जो वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जी हाँ, शहनाज गिल पिछले साल इसी वक्त ऑलमोस्ट जो है बिग बॉस के घर में होती हैं, नवंबर लास्ट में बिग बॉस के घर में होती हैं और अब ऑलमोस्ट दिसंबर जाने वाला है और अब शहनाज गिल जो हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की एक बार फिर उसी घर में। वैसे तो अब से कुछ समय पहले, कुछ टाइम पहले भी और शहनाज गिल जो है बिग बॉस के घर में नज़र आई थी और क्या जलवा बिखेरा था शहनाज ने, क्या जलवा बिखेरा था कि जैसे ही प्रोमो टीवी पर चला तो भाई हाहाकार मच गया। फैंस जो है खुश हो गए, फैंस क्या लोगों के आँखों से आंसू निकल पड़े, लोग नाच उठे गा उठे शहनाज की एक झलक देखकर, क्योंकि वो बिग बॉस में बिल्कुल भी एक दो घंटे के लिए नहीं दिखाई गई, थोड़े ही टाइम के लिए आई, लेकिन फैंस बहुत ज़्यादा खुश हुए। वहीं पर शहनाज गिल को एक बार फिर बिग बॉस के घर में बुलाया जाता है। जी हाँ, किस लिए? सलमान खान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। आप इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं इस बात की कि सादी सिंपल सी एक कंटेस्टेंट जो पंजाब की धरती से चलकर आती हैं, जिसे पंजाब में काम ढूंढने में मुश्किल आती है, मुश्किल फेस करनी पड़ती हैं, वो मुंबई में आज किस तरह चमकता हुआ सितारा बन गई। आज शहनाज के साथ कौन काम नहीं करना चाहता, बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर उनके पीछे लाइन लगा कर खड़े हैं कि एक बार शहनाज गिल उनका म्यूज़िक वीडियो कर ले। तो भाई शहनाज के साथ हर कोई काम करना चाहता है, हर कोई मुँह खोल के खड़ा है। इसी तरह कलर्स वाले भी बार बार शहनाज गिल की पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए उन्हें बिग बॉस में या कलर्स पर आमंत्रित करते रहते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले शानदार रविवार आया और एक बार बिग बॉस में और अब फिर दोबारा बिग बॉस में। इसके अलावा हालांकि मुझसे शादी करोगी भी शहनाज इससे पहले कर चुकी हैं तो फिर बिग बॉस में नज़र आने वाली हैं। और आपको बता दें शहनाज गिल डांस परफॉर्मेंस भी करने वाली हैं। जी हाँ, धर्मेश कोरियोग्राफर जो हैं उनके साथ और बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं, उनके साथ शहनाज परफॉर्म करती हुई आपको नज़र आने वाली हैं। और तो वहीं पर साडा कुत्ता कुत्ता त्वाडा कुत्ता टोमी इस डायलॉग को वापस से रिक्रिएट किया जाएगा, जहां सलमान होंगे, रवीना टंडन होंगी, क्योंकि रवीना टंडन ने अभी कुछ ही टाइम पहले इस डायलॉग को जो है रिक्रिएट किया था, कहा था, लेकिन शहनाज ने जहां ये डायलॉग बोला था एक बार फिर वहीं पर ये डायलॉग फिर से रिक्रिएट किया जाएगा। क्या समा होगा, क्या समय होगा। जी हाँ, और वो दिन दूर भी नहीं है क्योंकि वीकेंड के वार का शूट चल रहा है और वीकेंड का वार बस आने ही वाला है। यूँ तो कल ही स्टार्ट हो जाएगा सैटरडे को, लेकिन देखते हैं कि आप संडे या सैटरडे कब शहनाज को देख पाते हैं। उम्मीदें ज़्यादा संडे को देखने की हैं। वेल, और आपको बता दें जो कोरियोग्राफी शहनाज कर रही थी ब्लैक फिल्म स्टूडियो में, सीख रही थी कोरियोग्राफर से, वो भी इसी परफॉर्मेंस को लेकर वो सीख रही थी। तो भाई कमेंट करके बताइए कि कितना 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 खुश हैं आप शहनाज गिल को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, उन्हें नाचते थिरकते हुए देखने के लिए, डायलॉग बोलते हुए देखने के लिए।